बागी सीधे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो क्या लगता है कि फिर तारीख टलेगी, कुछ ऐसा समीकरण बनेगा? बिल्कुल संजय, ये पूरी संभावना है। इस चीज को, इस तरह की संभावनाओं को बागी जो नेता हैं वो जरूर एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि ये उनका राइट भी बनता है। हाईकोर्ट में वो अपना पक्ष रख ही रहे हैं, और अब जहां तक मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में भी, जिस तरह से हमारे सहयोगी अनुराग ने बताया कि जस्टिस दीपक मिश्रा और जो उनके डबल बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने कहा कि उनके पास बागियों का मसला नहीं है, इस लिहाज से वो इसे एंटरटेन नहीं करेंगे, उनको वोटिंग से दूर रखा जाए। तो कुल मिलाकर के अब बागी जो है वो नए सिरे से रणनीति बनाएंगे, और वो कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में मसला फ्लोट है, उसकी डेट आए उससे पहले पहले उनका मसला भी सुना जाए। तो निश्चित तौर पर बागी कानूनी तमाम तरह की संभावनाओं को एक्सप्लोर करेंगे, ये उनका राइट भी वो कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट का जो संकेत है वो निश्चित तौर पर बागियों के लिए ठीक कतई नहीं कहा जा सकता। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी तमाम जानकारी के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। अनुराग, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी तमाम जानकारी के लिए। जो फिलहाल इस वक्त सबसे बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने साफ साफ कह दिया कि हाँ, वो फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार है। अब देखना यह होगा कि समीकरण को लेकर क्या कुछ गणित बिठाया जाता है कांग्रेस बीजेपी की तरफ से, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि हरीश रावत के लिए यह राहत भरी खबर है, लगातार इसी के लिए वो जंग लड़ रहे थे कोर्ट में। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तमाम खबरों के लिए बने रहिए एटीवी के साथ। नमस्कार।